तक हो गया है और इसके पीछे हम लगे हुए थे। आज ये क्षण आया है कि मैं आप सबको मतलब बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, पूरे डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि प्रोजेक्ट सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद काफी इसमें स्टडीज हुई, काफी रिसर्च चली। 50 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड ने कुल 42 मेगावाट बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य की शुरुआत करने जा रही है। सुंदरनगर के सतलुज सदन में आयोजित पत्रकार वार्ता में इंजीनियर संजीव दत्त शर्मा, सदस्य सिंचाई बीबीएमबी ने बताया कि बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण में 284 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा इस परियोजना के निर्माण कार्य की शुरुआत होने के बाद 30 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना से सालाना 135.6 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन होगा। इस परियोजना का विद्युत लाभ बीबीएमबी के सदस्यों, राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को होगा। इस परियोजना के निर्माण के दौरान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 1971 में इस विद्युत परियोजना की ड्राइंग पास हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका निर्माण कार्य शुरू होने में 50 साल का लंबा समय लग गया। इस परियोजना से हाइड्रो प्रोजेक्ट पॉलिसी और प्रदेश का बिजली शेयर में से हिमाचल प्रदेश कुल उत्पादन का 20% बिजली मिलेगी। बीबीएमबी के अध्यक्ष इंजीनियर मनोज त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात बग्गी जल विद्युत परियोजना स्थल का दौरा किया तथा इस परियोजना के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी। अध्यक्ष के अनुभव एवं मार्गदर्शन से ही इस परियोजना के निर्माण कार्य की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस परियोजना की निविदाओं की कार्यवाही को समय पर पूर्ण कर परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। कई सालों से एक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए प्रयासरत थे। कई साल का मतलब कम से कम इसकी हिस्ट्री कम से कम 50 साल की तो है, इसकी हिस्ट्री 50 साल की है और हम 50 साल से एक प्रोजेक्ट को लगाने के पीछे लगे हुए थे और उसमें हमें किसी न किसी वजह से सफलता मिल नहीं पा रही थी, अड़चने आई जा रही थी। 1971 में इस प्रोजेक्ट की पहली ड्राइंग पास हुई थी, तब से आज तक हो गया है और इसके पीछे हम लगे हुए थे। आज ये क्षण आया है कि मैं आप सबको मतलब बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, पूरे डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि प्रोजेक्ट हमने कंसीव कर लिया है। कंसीव मतलब हम इसकी इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब हमने इसका टेंडर भी लगा दिया है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद काफ़ी इसमें स्टडीज़ हुई, काफ़ी रिसर्च चली, अफसर आए गए चले गए, बदल गए, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, पर अल्टीमेटली आज ये समय आ गया है कि हमने इसका इस कार्य को करने के लिए टेंडर भी लगा दिया है और आज लाइव भी हो गया है वो, और आज से 2 महीने बाद वो खुल भी जाएगा। उसके बाद कोई एजेंसी इस पे आ जाएगी और ये 2x21 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। 2 टरबाइन लगेंगी 21 मेगावाट की, जो काफ़ी मतलब काफ़ी बिजली है। और हम और ये पिछले काफ़ी सालों से हम पानी को वेस्ट ही कर जा रहे थे। अगर पहले लग जाता प्रोजेक्ट तो पहले ही बिजली पैदा हो जाती, आज लगा तो आज से पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और इसके हमारे पास पानी तो सदा से ही था, पहले से ही था। तो ये मुझे ये बात कहते हुए बड़ी खुशी हो रही, बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये 4 राज्यों के लिए, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट है। इस वक्त ये काफ़ी हर्ष का मोमेंट है, उल्लास का मोमेंट है कि हमने एक प्रोजेक्ट जो इतने सालों से लंबित पड़ा था उसको लगाने की कवायद पूरी तरह शुरू कर दी है और 2 महीने में इसका टेंडर खुल के हो जाएगा। और इसकी अवधि लगभग 30 महीने है, 30 महीने का मतलब ये ढाई साल ही हो गया, ढाई साल में कंप्लीट भी हो जाएगा, पूरा भी हो जाएगा। और 2.5 साल के बाद इसमें से ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी। और इसकी कॉस्ट जो 284 करोड़ रुपए है सारी मिला के, सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क ही सारी 284 करोड़, उसमें सभी कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो लगभग इतनी कॉस्ट में ये बन के तैयार हो जाएगा अगले 2.5 सालों में। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से गगन शर्मा की रिपोर्ट।